Hello friends, myself Dr. Shama Agwan. Our next topic is tibia. Tibia leg के medial side में होती है. ये fibula से बड़ी होती है. As it is a long bone, ये long bone है तो इसमें भी तीन part होते हैं. This is its upper end, this is lower end and this is shaft. इसके दोनों ends, upper end and lower end expanded होते हैं. And इसकी शेफ्ट नैरो होती है. Now I will describe about its upper end. This is upper end of tibia. Tibia के upper end में चार main anatomical features होते हैं. This is medial condyle, lateral condyle. This is tibial tuberosity and दोनों condyles के बीच में intercondylar area. इसका मीडियल कॉन्डाइल बड़ा होता है जो कि फीमर के मीडियल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करता है. इसका लैटरल कॉन्डाइल छोटा होता है जो कि फीमर के लैटरल कॉन्डाइल से आर्टिकुलेट करता है एंड दोनों कॉन्डाइल्स नी जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पर एक प्रोमिनेंट ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है. इस ट्यूबरोसिटी का सुपीरियर पार्ट स्मूथ होता है एंड इंफीरियर पार्ट रफ होता है. दिस ट्यूबरोसिटी इज नोन एज टीबियल ट्यूबरोसिटी. इसके लोअर पार्ट से एक शार्प मार्जिन निकला होता है जो कि कंटिन्यू होकर शेफ्ट की एंटीरियर बॉर्डर बनाता है. सो दिस इज द टीबियल ट्यूबरोसिटी. नाउ वी विल डिस्क्राइब इट्स फीचर इन डिटेल फ्रॉम इट्स पोस्टीरियर एस्पेक्ट. This is medial condyle of femur and this is medial condyle of tibia. Tibia का medial condyle बड़ा होता है इसलिए इसकी shape oval होती है. Lateral condyle छोटा होता है इसलिए इसकी articular surface circular होती है. इसके articular surface का peripheral part flat होता है बट सेंट्रल पार्ट कॉनकेव इन शेप होता है क्योंकि ये फीमर के कॉन्वेक्स आर्टिकुलर सरफेस से जॉइंट बना रहा है. दिस इज द कॉनकेव आर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया एंड दिस इज कॉन्वेक्स आर्टिकुलर पार्ट ऑफ कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर. लेटरल कॉन्डाइल का भी पेरिफेरल पार्ट फ्लैट होता है एंड सेंट्रल पार्ट कॉनकेव इन शेप होता है क्योंकि ये कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर के कॉन्वेक्स आर्टिकुलर पार्ट से जॉइंट फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है. दोनों कॉन्डाइल्स के बीच में एक एरिया प्रेजेंट होता है. दिस एरिया इज नोन एज इंटरकॉन्डाइलर एरिया. दिस इज इंटरकॉन्डाइलर एरिया. मीडियल कॉन्डाइल का लेटरल पार्ट एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन बनाता है. दिस प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन इज द मीडियल इंटरकॉन्डाइलर मार्जिन. सिमिलरली लेटरल कॉन्डाइल का मीडियल मार्जिन भी एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन बना रहा है. दैट इज लेटरल इंटरकॉन्डाइलर मार्जिन. दिस इज मीडियल इंटरकॉन्डाइलर मार्जिन एंड दिस इज लेटरल इंटरकॉन्डाइलर मार्जिन. और इन दोनों के बीच का एरिया, दिस एरिया इज नोन एज इंटरकॉन्डाइलर एरिया. दिस इज इंटरकॉन्डाइलर एरिया. लैटरल इम्बिकोंडाइल के लोअर पोर्शन पर एक नोच प्रेजेंट होती है. ये नोच फिब्यूला के सुपीरियर आर्टिकुलर सरफेस से एक जॉइंट बना रही है. दिस जॉइंट इज नोन एज सुपीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट. दिस इज सुपीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट जो कि लैटरल कॉन्डाइल के लोअर पार्ट से एंड फिब्यूला के सुपीरियर सरफेस से बन रहा है. दिस इज सुपीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट. So, these are the main features of upper end of tibia, medial condyle, lateral condyle, this is intercondylar area and anterior aspect per tibial tuberosity. Now, I will describe about the shaft of tibia in detail. This is the shaft of tibia. Shaft of tibia prismoid in shape hoti hai. Isme तीन बॉर्डर्स और तीन सर्फेसेस होती हैं. इट हैज थ्री बॉर्डर्स, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लेटरल और इंटरोशियस बॉर्डर. अपर एंड पर एक ट्यूबरोसिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज टीबियल ट्यूबरोसिटी.
टिबियल ट्यूबरोसिटी के लोअर एंड से एक शार्प मार्जिन स्टार्ट होता है, शार्प बॉर्डर स्टार्ट होती है, दैट इज एंटीरियर बॉर्डर, जो कि मीडियल मैल्यूलस के एंटीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड हो जाती है। इस एंटीरियर बॉर्डर का शेप एस शेप्ड होता है। सुपीरियर पार्ट में ये कॉन्वेक्स लैटरली होती है एंड इंफीरियर पार्ट में ये कॉन्वेक्स मीडियली होती है। सो इट इज एस शेप, जो सुपीरियर पार्ट में लैटरल साइड में कॉन्वेक्स है और इंफीरियर साइड में मीडियल साइड में कॉन्वेक्स होती है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर, जो कि टिबियल ट्यूबरोसिटी के लोअर एंड से स्टार्ट हो रही है, इट इज एस शेप और मीडियल मैल्यूलस के एंटीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड हो रही है। दिस इज एंटीरियर बॉर्डर। देयर इज अ सेकंड बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, जो कि सुपीरियरली मीडियल कॉन्डाइल से स्टार्ट होती है, मीडियली रन करती है एंड मीडियल मैल्यूलस के पोस्टीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड हो जाती है। दिस इज मीडियल बॉर्डर, जो कि सुपीरियरली मीडियल कॉन्डाइल से स्टार्ट हो रही है एंड इंफीरियरली मीडियल मैल्यूलस के पोस्टीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड हो रही है। देयर इज द थर्ड बॉर्डर व्हिच इज द लैटरल बॉर्डर। लैटरल बॉर्डर सुपीरियरली लैटरल कॉन्डाइल से स्टार्ट होती है, लैटरल साइड में रन करती है एंड इंफीरियरली फिब्युलर फैसेट पर जाकर एंड हो जाती है। ये फिब्युलर फैसेट के एंटीरियर बॉर्डर पर जाकर एंड होती है। इसके लैटरल बॉर्डर को इंटरोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, क्योंकि ये अगेन टीबिया एंड फिब्युला के बीच में प्रेजेंट होती है, सो दैट इट इज नोन एज इंटरोशियस बॉर्डर। दिस आर द थ्री बॉर्डर्स ऑफ टीबिया। नाउ आई विल डिस्क्राइब अबाउट द सर्फेसेस ऑफ टीबिया इन डिटेल। लेट्स सी क्लोजली। दिस इज इट्स एंटीरियर बॉर्डर, this is medial border and third one lateral or interosseous border। iski anterior border and medial border ke beech mein medial surface hoti hai। iski medial surface subcutaneous hoti hai, jise aap aasani se skin ke andar mein feel kar sakte hain। anterior border and lateral or interosseous border ke beech mein lateral surface hoti hai, this is the lateral surface। And the third surface is this is its medial border and this is lateral or interosseous border। medial border or lateral or interosseous border के बीच में posterior surface होती है, this is posterior surface। इसकी posterior surface पर एक oblique ridge present होती है। This oblique ridge is known as soleal line। ये oblique ridge इसके shaft के upper part को एक triangular area में separate करती है। This is triangular area above soleal line। इसके lower part में एक vertical ridge present होती है। ये vertical ridge इसके posterior surface को medial and lateral portion में divide करेगी। इस वर्टिकल रिज के अपर पार्ट पर एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट होता है, जिससे न्यूट्रिएंट आर्टरी टीबिया में एंटर करती है और टीबिया को ब्लड सप्लाई करती है। सो दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस। नाउ आई डिस्क्राइब द सरफेसेस एंड बॉर्डर्स इन शॉर्ट। एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड इनके बीच में मीडियल सरफेस। एंटीरियर बॉर्डर एंड लैटरल और इंटरोशियस ऑफ बॉर्डर, इनके बीच में लैटरल सर्फेस एंड पोस्टीरियरली मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर और इसके बीच में पोस्टीरियर सर्फेस होती है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लोअर एंड ऑफ टीबिया। टीबिया का लोअर एंड एक्सपेंडेड होता है, इसमें पांच सर्फेसेस होती हैं। This is anterior surface, inferior surface, this is its lateral surface, medial surface and posteriorly this is posterior surface। इसकी posterior surface anterior surface के comparison में बहुत छोटी होती है।
दिस इज इट्स मीडियल सरफेस, इसकी मीडियल सरफेस सबक्यूटेनियस होती है। एंकल के लेवल पर मीडियल एस्पेक्ट पर जब आप फील करें तो आपको आसानी से ये सरफेस फील हो जाती है, इट इज सबक्यूटेनियस। इसके मीडियल सरफेस से एक प्रोजेक्शन निकला होता है, दिस प्रोजेक्शन इज नोन एज मीडियल मैल्यूलस, दिस इज मीडियल मैल्यूलस। दिस इज द एंटीरियर सरफेस, इसकी एंटीरियर सरफेस ऊपर से स्मूथ होती है बट नीचे से रफ होती है। दिस इज एंटीरियर सरफेस, दिस इज इट्स मीडियल सरफेस एंड दिस इज मीडियल मैल्यूलस। दिस इज इट्स इंफीरियर सरफेस, टीबिया के लोअर एंड की इंफीरियर सरफेस टेलस बोन की सुपीरियर सरफेस से आर्टिकुलेट करती है एंड एंकल जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। टीबिया की इंफीरियर सरफेस टेलस की सुपीरियर सरफेस से आर्टिकुलेट करती है एंड एंकल जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। दिस इज द लैटरल सरफेस, इसकी लैटरल सरफेस पर एक नोच प्रेजेंट होती है, दिस नोच इज नोन एज फिब्यूलर नोच। इस नोच से फिब्यूला का लोअर एंड आके आर्टिकुलेट करता है एंड इंफीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट बनाता है, दिस इज इंफीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट। सो दिस आर द फाइव सर्फेसेस ऑफ लोअर एंड, दिस इज एंटीरियर सर्फेस जो ऊपर से स्मूथ होती है नीचे से रफ होती है, दिस इज इंफीरियर सर्फेस जो कि टेलस की सुपीरियर सर्फेस से आर्टिकुलेट कर रही है एंड एंकल जॉइंट फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है। दिस इज लैटरल सर्फेस जो लोअर एंड ऑफ फिब्यूला से आर्टिकुलेट कर रही है एंड इंफीरियर टीबियो फिब्यूलर जॉइंट बना रही है। दिस इज मीडियल सर्फेस जो कि सबक्यूटेनियस होती है जिसे आप आसानी से पालपेट कर सकते हैं एंड उस पर एक बोनी प्रोजेक्शन निकला होता है, दैट इज मीडियल मैल्यूलस। एंड दिस इज पोस्टीरियर सर्फेस जो कि एंटीरियर सर्फेस से काफी छोटी होती है। So these all were the features of lower end. Thank you so much guys for watching my video. अगर आप लोगों को मेरे videos अच्छे लगते हैं तो मेरे channel को subscribe कीजिए और bell icon को press कीजिए ताकि मेरे नए नए videos आप लोगों को update होते रहें और आप लोग मेरे नए नए videos देखते रहें। Thank you so much.